हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए और मंथली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बिगन इन न्यू दिल्ली। द मीटिंग विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मिनिस्टर्स टू डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड द वे फॉरवर्ड। 16 डेवलपिंग कंट्रीज एंड 6 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCs आर पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग। इट इंक्लूड्स चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सऊदी अरबिया, तुर्की, कजाकिस्तान एंड बांग्लादेश। विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। बैठक में मंत्रियों को विभिन्न मुद्दों और आगे के रास्ते पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 16 विकासशील देश और 6 विकसित देश भाग ले रहे हैं। इसमें चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, सऊदी अरब, तुर्की, कजाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। 2 दिवसीय बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, यानी कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम एग्रीड टू इंक्रीज दियर कोलेबरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडो पैसिफिक कॉरपोरेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रेजिलियंस, डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अमोंगेस्ट अदर एरियाज। भारत और यूनाइटेड किंगडम भारत प्रशांत सहयोग, जलवायु परिवर्तन, आपदा तन्यकता, अन्य क्षेत्रों में थर्ड वर्ल्ड के देशों में विकास के क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल एयर पैसेंजर्स राइट एक्सपर्ट एयर हेल्प केम आउट विद द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स एंड हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज रैंक्ड द वर्ल्ड्स 8th बेस्ट एयरपोर्ट। द सर्वे टेक्स इनटू अकाउंट ऑन टाइम परफॉर्मेंस, सर्विस क्वालिटी and food and shops to determine the ranking. The top 3 airports in the list of world's best airports as per AirHelp are Qatar Hamad International Airport, Tokyo International Airport, Athens International Airport. वैश्विक हवाई यात्री अधिकार विशेषज्ञ AirHelp ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची जारी की तथा हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना। सर्वेक्षण रैंकिंग को निर्धारित करने के लिए समय समय पर प्रदर्शन, सेवा की गुणवत्ता तथा खाद्य और दुकानों को ध्यान में रखा जाता है। AirHelp के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष 3 हवाई अड्डे शामिल है, जिनमें पहला है कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA डिसाइडेड टू होल्ड इट्स 5-डे लॉन्ग 2020 हाई लेवल कॉन्फ्रेंस अर्ली जून इन पुर्तगाल लिस्बॉन टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लिस्बॉन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए पुर्तगाल के लिस्बन में जून के आरंभ में अपने 5 दिवसीय लंबे 2020 के उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया, जो लिस्बन में सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा संधारणीय उपयोग पर आधारित है। नेक्स्ट, जापान हैज स्टार्टेड टेस्टिंग इट्स फास्टेस्ट इवर बुलेट ट्रेन कैपेबल ऑफ रीचिंग 400 किलोमीटर पर आवर टू 49 मील पर आवर एज इट कंटिन्यू टू डेवलप द रिवोल्यूशनरी मोड ऑफ ट्रेवल। द अल्फा एक्स वर्जन ऑफ द शिनकानसेन ट्रेन बिगन 3 ईयर्स वर्थ
ऑफ टेस्ट रन्स। जापान ने अपनी सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू किया जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने में सक्षम है, जिससे यात्रा के क्रांतिकारी रूप का निरंतर विकास हो रहा है। शिंकानसेन ट्रेन के अल्फा एक्स वर्जन ने 3 वर्षीय परीक्षण यात्रा शुरू की है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की, तो मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता हैज बीन अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र न्यू चीफ सेक्रेटरी। अजय मेहता सक्सेस्ड यूपीएस मदन हु हैज बीन नेम्ड एज द स्पेशल एडवाइजर टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। मुंबई नगर पालिका आयुक्त अजय मेहता को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बांदे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हिज अपॉइंटमेंट वाज अनाउंस्ड ऑफ मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ग्रेस आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अबूजा। प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बांदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा अबूजा में एक संवाददाता सम्मेलन में यूएनजीए के सेवामुक्त अध्यक्ष मारिया फर्नांडा स्पिनोसा गार्स द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र प्रेजेंटली डिप्टी हाई कमिश्नर इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया। अबूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ एरिट्रिया। सुभाष चंद्र वर्तमान में भारतीय उच्चायोग में उप उच्चायुक्त अंबुजा को इरिट्रिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की, तो आईपीएस ऑफिसर छाया शर्मा हु लेड द इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ द इनफेमस निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस हैज बीन अवार्डेड द 2019 मैक्सियन इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर करेज एंड लीडरशिप। द अवार्ड इज गिवन टू दोज हु शो करेज ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियन कंपेशन जस्टिस फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी। कुख्यात निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले की जांच टीम का नेतृत्व करने वाली आईपीएस अधिकारी छाया शर्मा को शौर्य और नेतृत्व के लिए 2019 मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवाधिकारों, मानवीय करुणा, न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय सम्मान की ओर से साहस दिखाते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की, तो मर्सिडीज लेविस हैमिल्टन वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन बार्सिलोना स्पेन एंड रॉस टू द टॉप ऑफ द फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप। मर्सिडीज बी बोटास फिनिश सेकेंड वाइल रेड बुल्स एम वेस्टरपन फिनिश थर्ड। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना स्पेन में स्पेनिश ग्रैंड प्री जीती और फॉर्मूला वन विश्व चैंपियनशिप के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। मर्सिडीज के वी बोटास दूसरे स्थान पर रहे जबकि रेड बुल्स के एम वेस्टा पेन तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, मैनचेस्टर सिटी क्लिंच्ड देयर फोर्थ प्रीमियर लीग टाइटल फुटबॉल आफ्टर विनिंग द 2018-19 सीजन। मैनचेस्टर सिटी रजिस्टर्ड ए विक्ट्री अगेंस्ट ब्रिटन टू एक्यूमुलेट 98 पॉइंट बाय लिवरपूल हु वर आल्सो इन द टाइटल रेस फिनिश्ड सेकंड विद 97 पॉइंट। मैनचेस्टर सिटी ने 2018-19 सत्र का फाइनल जीतने के साथ ही अपना चौथा प्रीमियर लीग खिताब फुटबॉल जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन के खिलाफ 4-1 की जीत दर्ज करते हुए 98 अंक अर्जित किए जबकि खिताब की दौड़ में करीबी लिवरपूल 97 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ऑफ स्पिनर साना मीर हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन्स वनडे स्पिनर इन हिस्ट्री आफ्टर सी टुक हर 147th विकेट हाईएस्ट ओवर बाय एनी स्पिनर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तान की ऑफ स्पिनर सना मीर 147वां विकेट लेने के बाद इतिहास में सबसे सफल महिला वनडे स्पिनर बन गई हैं। उन्होंने किसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में स्पिनर द्वारा सर्वाधिक विकेट लिए हैं। नेक्स्ट, फॉर्मर क्रोएटिया इंटरनेशनल एंड मैनेजर इगर स्टिमैक विल बी अपॉइंटेड एज द इंडिया मेंस टीम कोच आफ्टर द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF टेक्निकल कमेटी रिकमेंडेड हिम फॉर द पोस्ट। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की टेक्निकल कमेटी द्वारा पद के लिए सिफारिश करने के बाद क्रोएशिया के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और प्रबंधक इगोर स्टिमैक को भारतीय पुरुष टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मुंबई इंडियंस बिकम आईपीएल चैंपियन
फॉर द फोर्थ टाइम आफ्टर डिफीटिंग चेन्नई सुपर किंग्स बाई वन रन इन ए थ्रिलिंग फाइनल इन हैदराबाद. किरण पोलार्ड टॉप स्कोर विद हिज अनबीटन 41 रन नॉक. स्कीपर महेंद्र सिंह धोनी बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल बाई टेकिंग हिज डिसमिस टैली टू 132. हैदराबाद में रोमांचकारी फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को एक रन से हराकर मुंबई इंडियंस चौथी बार आईपीएल विजेता बनी. पेसर लसित मलिंगा द्वारा शार्दुल ठाकुर को अंतिम गेंद पर आउट करके चेन्नई पर मुंबई की जीत दर्ज की गई. मुंबई द्वारा निर्धारित 150 रनों के जीत का लक्ष्य का अनुसरण करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 148 रन पर ही आउट हो गई थी. नेक्स्ट, द 2019 मैड्रिड ओपन स्पॉन्सर्ड बाई म्यूटवा इज ए प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट प्लेड ऑन आउटडोर क्ले कोर्ट एट द पार्क मैनेजर इन मैड्रिड स्पेन. इट वॉज द 18th एडिशन ऑफ द इवेंट ऑन द ATP वर्ल्ड टूर एंड 11th ऑन द WTA टूर. 2019 मैड्रिड ओपन मटुआ द्वारा प्रायोजित एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है जो मैड्रिड स्पेन में पार्क मंजा नारिस में आउटडोर क्ले कोर्ट में खेला जाता है. यह ATP वर्ल्ड टूर और WTA टूर पर 11वें आयोजन का 18वां संस्करण था. नेक्स्ट, इनॉग्रल इशू ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एक्सक्लूसिव वुमेन्स क्रिकेट मैगजीन क्रिक जॉन वॉज रिलीज्ड विद इंडियन टीम वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना फीचरिंग एज द कवर स्टोरी. इट इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग अपडेट्स आर्टिकल्स न्यूज इंटरव्यूज ATC फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट पब्लिशर ऑफ द मैगजीन इन यस लाहौटी. विश्व की पहली एकमात्र महिला क्रिकेट पत्रिका क्रिक जॉन का उद्घाटन अंक को भारतीय टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना के प्रमुख लेख के रूप में प्रकाशित किया गया. यह एक ऐसा एकल समाधान है जो विशेष रूप से महिलाओं की क्रिकेट की दुनिया से अपडेट लेख समाचार साक्षात्कार आदि प्रदान करता है. पत्रिका के प्रकाशक यस लाहौटी है. और अब बात करते हैं लास्ट न्यूज ऑफ टूरिज निधन की, तो पद्मश्री अवार्डी भोजपुरी वोकल आर्टिस्ट हीरालाल यादव पास्ड अवे इन वाराणसी एट द एज ऑफ 93. श्री यादव वाज ए वेल नोन भोजपुरी फोक सिंगर फ्रॉम द बिरहा. ही रिसीव्ड ए पद्मश्री अवार्ड द कंट्रीज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन जनवरी 2019. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भोजपुरी गायक कलाकार हीरालाल यादव का 93 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया है. श्री यादव बिरहा शैली के जाने माने भोजपुरी लोक गायक थे. यह शैली प्रेमी से प्रेमी के वियोग के इर्द गिर्द घूमती है. उन्हें जनवरी 2019 में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार मिला. 2015 में उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया. तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें. और इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.